के साथ आ गए हैं एंड न्यू न्यू लुक के साथ कुछ चेंजेस लग रहा है ना मेरे फेस पे या मेरा हेयर कलर. मैंने मेरा हेयर कलर चेंज करवाया एंड अभी ये थोड़ा उलझा फुलझा दिख रहा है, वो अलग बात है. लेकिन ये रहा कलर. लेकिन ये मैंने कैसे चेंज करवाया और कैसे क्या हुआ वो आप लोग देखोगे, क्योंकि अभी मैं इंट्रो दी हूँ. हाँ, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं अभी इंट्रो क्यों दे रही हूँ, पहले क्यों नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे साथ रोड पे बहुत सारा हादसा हुआ जिसके कारण मैं इंट्रो भी नहीं दे पाई. एंड एट लास्ट मैं जाके सलोन पहुँची एंड मेरा हेयर कलर चेंज किया. तो कैसे क्या किया क्या नहीं किया तो आप लोग देखो वीडियो. एंड वीडियो देखने से मतलब वीडियो पे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलो देखते हैं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो लेट्स गो. मेरा हेयर कलर करवाने जाना था तो मैं बहुत ही एक्साइटेड से निकली. तो मैं ना घर से बहुत कोशिश कर रहा था कि कैब मेरे को मिल जाए, मेरे को कैब मिल जाए. तो कैब मेरे को नहीं मिल रहा था. तो मेरे को मैं क्या किया तो जीटी रोड से सीधा टोटो रिक्शा पकड़ लिया कि मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाके फिर वहाँ से कैब बुक करने की कोशिश करूँ. यार मैं जा ही रही थी तो कोई एक ड्राइवर आ रहा था, इतना नॉनसेंस, इतना इडियट, इतना अनकल्चर्ड है. उसने ना थूका और मतलब जानबूझ के थूका और देखो ड्रेस का हाल मेरा क्या कर दिया. और यहाँ से अभी ऐसे करके मैं कैसे जाऊँ, नहीं जा सकती. अभी मेरे को घर भी अगर जाना पड़े तो बहुत दूर है यार. कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता. यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा अनकल्चर्ड और क्या बोलूँ, कुछ नहीं यार. सभी लोग नहीं होते, कुछ कुछ लोग कोई सेंस ही नहीं है यार. ऐसा गंदा हालत कर दिया और पूरा वाइट ड्रेस है. मैं अभी यहाँ पर क्या करूँ, कुछ करने का मेरे को मन नहीं कर रहा. इतना लेट भी हो रहा है जिस टाइम को मैंने अपॉइंटमेंट लिया था. अभी देखते हैं यहाँ नहीं जा सकता है. इसका पूरा वाइट, पूरा गंदा कर दिया यार, अनकल्चर्ड. ऐसा लोगों के लिए सोचना बोलता है लोग. क्या करें, यहाँ पर कुछ मिला नहीं तो मेरे को फिर से बैक आना पड़ा. और अभी हम लोग पूरा मेरे घर के साइड पे बैक आ गए हैं. तो यहाँ पर पैंटालून से और यहाँ से देखते हैं क्या ड्रेस लिया जाए. ऐसे तो हम नहीं जा सकते. क्या बताया अभी, ये ड्रेस तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आप बोलो आउटफिट कैसा है. एंड मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ तो कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल. चलो चलते हैं, बहुत टाइम गवा चुके. फिलहाल अभी ड्रेस चेंज हुआ और यहाँ पर ही बज गए हैं. कितना यहाँ पर ही बज गए हैं, 12:00 टाइम. हाँ, 11:00 टाइम दिया था. मैं बोली थी कि थोड़ा मतलब जल्दी जाऊंगी तो वो बोले थे शॉप थोड़ा जल्दी मेरे लिए ओपन करेगा. लेकिन अभी ऐसा गंदा हालत हो गया है, क्या करूँ. तो ड्रेस तो चेंज कर लिया और यहाँ से फिर से उबेर कुछ नहीं मिल रहा, ओला उबेर कुछ नहीं मिल रहा. तो फिर से टोटो पकड़ के हम लोग को जाना पड़ेगा. और अब कोई अगर फिर से ड्रेस गंदा होगा और फिर से हमें पैंटालून से आना पड़ेगा. मार ही डालूंगी अब मैं उस साइड पे बैठूंगी नहीं. अभी हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर आके कैब मिला. तो दिखा दो हमारा गाड़ी ऐसे करके कहाँ पर रुका हुआ है. अबे भाग गया मैप से गाड़ी, मैप से गाड़ी भाग गया. मतलब आज कोई हम लोगों को जाने नहीं देगा बोल रहा है. यार मैं बोली थी 10:30 और एटलीस्ट अगर लेट भी होता तो कम से कम 11 होता. लेकिन नहीं मालूम क्या यार, इतना हादसा हो गया रास्ते पे तो क्या किया जाए. तो हम लोग नहीं जा पाए. तो वो भैया का नाम क्या है नहीं मालूम, सलीम भैया मेरे को नाम भेजा था शाहरुख बोल के. तो शाहरुख नंबर भेजा था. हाँ तो शाहरुख बोल के तो वही शायद वो थोड़ा गुस्सा भी हो गया है. लेकिन क्या किया जाए यार, हम लोगों का भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब था. तो बहुत सारा हादसा रास्ते पे हो गया और कुछ कुछ पब्लिक का ऐसा क्या बोलूँ, उन लोगों के वजह से ऐसा ख़राब ऐसा होता है यार.
हम लोगों का हेयर कलर होगा एंड देन आएगा केराटीन। तो अभी तक मैं कलर चूज़ नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ। मेरे को पहले वो अरिश्मा खान का एक हेयर कलर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन अब सोच रही हूँ थोड़ा चेंजेस किया जाए। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कौन सा कलर किया जाए, तो देखते हैं क्या कलर किया जाए। अभी हम चूज़ करेंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे। मेहंदी वगैरह लगाए? हाँ, मेहंदी 3 साल हो गया। 3 साल पहले? हाँ। उसके बाद तभी नहीं कराया? नहीं, मेहंदी नहीं लगाया उसके बाद। दिख दिया तो ये मेहंदी लगाने से बहुत डैमेज होता है, ये पूरा सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है पूरा। 3 साल पहले लगाई थी, अभी तक अभी रहता है वो, हेयर से ज़्यादा नहीं है वो, जितना मूव करेंगे तो सीजर से वो नहीं दिखेगा वो। तो ये केराटिन के बाद सही हो जाता है? ऑलमोस्ट निकल जाता है, लेकिन वो कटिंग करते करते निकलता है। कलर भी है ना? हाँ, कलर है नीचे। तो हम लोग पहले कलर करेंगे उसके बाद केराटिन करेंगे। ओके ओके। तो ये कलर कर सकते हैं लाइट कलर, ये कंप्लीट, ये बेस कलर है, ये फैशन शेड है। ये कलर अच्छा लगा मुझे। इसमें भी ऐसा, तो एटलीस्ट हम लोगों ने कलर चूज किया, ये वाला कलर 8.31 हम लोग करने वाले हैं। पर इनका हेयर पे मेहंदी लगा है, वो चेक करना पड़ेगा। Can you hear? Can you hear? Can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the जिसमें आपका सल्फेट रहता है वो शैम्पू यूज करना पड़ेगा, और वो शैम्पू यूज करेंगे तो केराटिन भी जल्दी निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्लाइंट को मना करते हैं कि ऑयल नहीं लगाइए केराटिन के बाद। और नॉर्मली जब लगाते हैं, जब केराटिन नहीं है फिर भी लगाती हैं, तो बोलते हैं कि वॉश से पहले लगाएं, आधा घंटा पहले फिर वो वॉश कर लें, लेकिन बाहर नहीं निकल। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि ऑयलिंग से हेयर अच्छा होता है, अगर ऑयलिंग हम लोग छोड़ दें तो कोई इशू तो नहीं होगा ना? ऑयलिंग से हेयर अच्छा होता है ऐसा कोई बात नहीं है। ऑयलिंग होता है स्कैल्प के लिए, कुछ क्लाइंट हेयर में लगा लेती हैं, लेंथ पर लगा लेती हैं ताकि हेयर अच्छा हेल्दी हो, लेकिन वो नहीं, वो स्कैल्प पे लगाते हैं वो हेयर बस थोड़ा सा मसाज करने के लिए ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, इससे हेयर ग्रोथ हेल्दी हो। हेयर में इम्प्रूव ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को अंदर में सीबम होता है जिससे हेयर ऑयल प्रोड्यूस करता है, सीबम जो है ऑयल प्रोड्यूस करता है उसमें ऑयल जाता है। अलग से ऑयल लगाएंगे वो ज़्यादा कुछ बेनिफिट करेगा ऐसा कोई बात नहीं, बस जस्ट वो मसाज देने के लिए यूज़ करते हैं, उससे क्या थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो डिपॉजिट करने वाले हम लोग अभी उनके हेयर पे। चलो देखते you and me.
तो वेट करो रिजल्ट का, हम भी वेट करें, सरप्राइज। फाइनल लुक नहीं है क्योंकि इसके बाद भी मैं केराटिन करवाने वाली हूँ, लेकिन आज टाइम भी बहुत हो गया है तो वो नेक्स्ट डे करवाएंगे। तो अभी हेयर सेट हो जाने दो एंड फिर आप लोग फाइनल लुक दिखाते हैं। नेक्स्ट डे हम आएंगे और नेक्स्ट डे करेंगे केराटिन, और केराटिन के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा ना, केराटिन के बाद बेस्ट लगेगा। तो वो आपको दूसरे ब्लॉग पे देखने को मिलेगा, और अब देखेंगे घर जाएंगे। और गाइज अगर आप लोगों को हेयर कलर वगैरह कुछ भी करवाना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, नेम देख लो एंड शॉप का डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, नवाज और कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आ सकते हो। और भैया के पास बढ़िया बढ़िया कलर है, लेकिन मैंने तो ये वाला चूज़ किया था, और बढ़िया बढ़िया कलर है, नेक्स्ट टाइम आके दूसरा कलर भी करवाएंगे। सब कुछ ही सही था लेकिन आपने मेरा हेयर शॉर्ट कर दिया। ठीक है चलो अभी चलते हैं घर। सो गाइज आज नेक्स्ट डे है एंड कल मेरा वापस आते आते बहुत टाइम लग गया एंड बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील कर रही थी, तो मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई। सो अभी मैं सोचा कि थोड़ा ब्लॉग को एंड कर लिया जाए। एंड मेरा जो वो फेवरेट वाला ड्रेस था यार, मैंने एक दिन ही पहना था, तो वो आप लोग देख ही सकते हो, मेरा जो सॉकेस का सेलिब्रेशन था तो उसमें ही मैं पहनी थी, और सेकंड डे था मैं कल पहनी थी, तो वो ड्रेस शायद पूरा ही गया, वो ड्रेस से वो दागड़ नहीं निकलेगा, पूरा ही ख़त्म हो गया वो ड्रेस, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्या किया जाए यार, लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की सोच, लोगों की हरकतें जब तक चेंज नहीं होगी तब तक तो इस देश का कोई चेंजेस नहीं होगा। सो जो भी हो, सब इंसान एक जैसे नहीं है, कुछ कुछ अभी भी ऐसा है। तो जो भी हो यार, ये था मेरा हेयर कलर जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और आप में से अगर किसी को हेयर कलर या कोई भी सर्विस लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया का नंबर दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो एंड वहाँ पर जा सकते हो। एंड आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी। और रुको जाने से पहले मेरा जो पहले का इंस्टाग्राम था वो भी है, लेकिन वो ना बहुत दिन से मैं देख रही हूँ कि बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है, तो मैंने नया एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसका नाम दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। सो जल्दी से जाओ इस इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को फॉलो करो एंड देखते हैं, होप ये इंस्टाग्राम के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय। एंड मैं केराटिन भी करवाती बालों पे, लेकिन इतना टाइम लग गया तो मैं केराटिन नहीं करवा पाई। नेक्स्ट डे मैं जब जाऊँगी तब मैं केराटिन भी करवाऊँगी, तो वो ब्लॉग भी आप लोग को साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वो ब्लॉग देख लेना। लेकिन अभी तक तो इस ब्लॉग को अच्छे अच्छे से प्यार दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।